नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बशीर नाज़। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। नाज़रीन, आज इतवार शाम 4 बजे के करीब मिलिटेंटों ने इमरा कदल में ग्रेनेड दागा, जो एक ज़ोरदार धमाके से फट गया, और इसके नतीजे में एक शख्स हलाक और पुलिस एहलकार समेत कम अज़ कम 24 अफराद ज़ख्मी हो गए। तफसलात के मुताबिक अस्करियत पसंदों ने शाम 4 बजे के करीब मसरूफ तरीन बाजार इमरा कदल में ग्रेनेड फेंका, जिसके नतीजे में 24 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अगरचे मकामी लोगों और पुलिस ने ज़ख्मी को फौरी तौर हस्पताल पहुँचा दिया, ताहम इस वाक़े में शदीद ज़ख्मी हुए एक 70 साल बुज़ुर्ग कलाशपुरा के मोहम्मद असलम हस्पताल में ज़ख्मों की ताब न ला कर चल बसा। इस हमले में दीगर 24 अफराद में एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। वही हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला आवरों को पकड़ने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया है और तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अभी आप सब लोगों को ये पता चला ही चली होगी बात कि आज दोपहर जस्ट अभी सबसे कोई एक घंटा पहले ग्रेनेड अटैक हुआ। ये अमीरा कदल ऊंट कदल जो ब्रिज है, इस ऊंट कदल ब्रिज के जस्ट इस जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पे, और अनफॉर्चुनेटली सिविलियन ही टारगेट हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन ही उनकी नुकसान उनको हुआ है। और अभी तक जो रिपोर्ट आ रहा है, कोई एक उम्र दराज बुज़ुर्ग थे, उनकी डेथ हुई है। तो हम लोग इस घटना पे नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ के आसपास का जो भी सीसीटीवी फुटेज, जो आसपास यहाँ सीसीटीवी दिख रहे हैं, और हमारे कमांड व्हीकल्स वगैरह में जो भी थे, और चश्मदीदों के बेस पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं ट्रेस करने की। तो सिक्योरिटी पर्सनल तो आपके साथ साथ खड़े थे, अगर हमारा पुलिसमैन इंजर्ड नहीं होता तो शायद सिक्योरिटी में चूक आप लोग बोल भी सकते थे, क्योंकि उसमें जो भीड़ है उसमें सिक्योरिटी पर्सनल भी इंजर्ड है। तो जिसने टारगेट किया, वो किस चीज़ को टारगेट किया, ये उसको देखना था। और सिक्योरिटी की चूक तो अब जैसा कि उस हम आपके सिविलियन के साथ साथ हमारा पुलिसमैन भी सेम इंजर्ड है। तो बाकी इसमें हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई ये ट्रेंड बनता जा रहा है और इसमें कुछ वाइटल क्लूज भी हमारे सामने आ गए हैं, तो जल्दी हम लोग ट्रेस भी कर लेंगे इसको। अभी रिपोर्टेड तो टोटल 20 ही आ रही है, और अगर आगे कोई फर्दर इंजर्ड चाहे कुछ ऐसा कोई डिटेल हमारे पास आता है तो आपके साथ शेयर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओर से।